हमारे साथ हैं पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी। नया साल है, पर्यटन का समय है, अभी सैलानी बाहर से आते हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं पर्यटन में जो पर्यटक आते हैं उनको लुभाने के लिए, या बिहार सरकार की तरफ से अभी कुछ नई योजनाएं के बारे में? देखिए, जो बिहार में पर्यटक आते हैं, एक तो हम लोग ने एक तय कर लिया है कि बिहार में पर्यटक आते हैं या तो कहीं ट्रेन से आवे या हवाई जहाज़ से। हम लोगों ने दोनों जगह पर एक पर्यटन केंद्र खोल रखा है, जैसे हवाई जहाज़ से जो लोग आते हैं तो वहाँ एक, अब देखिए कि वहाँ सूचना केंद्र है पर्यटकों का, वहाँ से उसको गाड़ी का सुविधा मिलती है, वहाँ उसको राज्य के जहाँ जाना हो वहाँ से उसकी होटल की सुविधा मिलती है, आपको बुकिंग आप वहीं करा लीजिए। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं, हो सकता है कि राज्य से बाहर, उसके लिए अभी हम लोग उसमें नए ऐड कर रहे हैं कि हो सकता है जो बाहरी पर्यटक है उसको राजगीर जाने में, हो सकता है बीच में कहीं किसी तरह का इस तरह का ढाबा नहीं है, ढाबा पर रुकना भी चाहे तो इस तरह का रुकने के लिए उसको शौचालय नहीं है, तो हम लोग उस तरह का एक शौचालय की सुविधा, ठहरने की और गाइड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा कि उसमें हम लोगों के भी चाह रहे हैं कि पर्यटक अगर इस तरह से आवे तो, यहाँ बिहार में 5 स्टार होटल नहीं था, अब हम लोग पीपी मोड़ पर 3 5 स्टार, सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में 3 5 स्टार होटल बनेगा, और इस तरह का होटल जो पर्यटकों को जो देश विदेश से आते हैं उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था होगी, और ज़मीन हम लोगों को उपलब्ध हो गया, हम लोग टेंडर प्रक्रिया में चल गए पीपी मोड़ पर बनाने के लिए, तो इस तरह का सुविधा हम लोग चाह रहे हैं कि पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ हो। दूसरा कि पर्यटक जब यहाँ आते हैं, आपने देखा होगा कि पर्यटक स्थल जो भी स्थल है हमको उसको नए सिरे से विकसित कर रहे हैं, सभी जगह नए सिरे से हम लोग काम प्रारंभ कर दिए हैं, उस काम को इसीलिए कि जब तक उसका पर्यटक स्थल अच्छे सुंदर नहीं बनेगा लोग देखने क्यों आवेंगे, इस तरह का हम लोग सुविधा भी कर रहे हैं और उस तरह का स्थान को हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं। यहाँ पर पर्यटकों को अब यहाँ के बारे में बताने के लिए टूर एंड ट्रेवल्स की जो प्राइवेट एजेंसियाँ हैं जो खुली रहती है, कुछ लोगों के पास उसके लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं उसका ज़्यादा विस्तार नहीं देखा जा रहा है टूर एंड ट्रेवल, जैसे कि बिहार के बाहर में ज़्यादातर टूर एंड ट्रेवल्स है लेकिन बिहार में इस तरह की जो व्यवसाय है पनप नहीं पा रहा। नहीं, टूर एंड ट्रेवल का हम अपने पर्यटन विभाग से सुविधा दे रहे हैं तो बाहर से लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है, हम तो आपको बताए रहे कि जैसे हम हवाई अड्डा आप उपलब्ध जैसे उतरेंगे वो, हमने उसके वहाँ के एक पर्यटन सूचना केंद्र खोल रखा है और वहाँ ट्रैवल की व्यवस्था रहती है, आप ठहरने की, गाड़ी से जाने की, हमने सारी सुविधा दे रखा है, तो प्राइवेट एजेंसी के लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, साफ तौर पे बता रहे थे कि पर्यटक जो भी बिहार में आते हैं, चाहे जो भी उनका माध्यम होता है आने का, चाहे वो हवाई जहाज़ से आते हैं या किसी और साधन से आते हैं, तो जिस जगह पे वो उतरते हैं वहाँ पर ही पर्यटन के बारे में बताने के लिए विभागीय व्यवस्था की गई है, और वहीं से पर्यटक को बताया जाता है कि बिहार में कहाँ कहाँ घूमने के लिए कौन कौन से जगह हैं और उससे किस चीज़ के माध्यम से वो घूमते हैं उसकी सारी जानकारी दी जाती है। अब समय है घूमने का, और यह जो सीजन है जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक का, और उसके बाद और भी जो छुट्टियां होती है उसमें पर्यटक आते हैं, इस तरह की सुविधा को उठाते हैं, अब आने वाले समय में यह देखना ज़रूरी है कि बिहार सरकार पर्यटक विभाग जो है, पर्यटन विभाग जो है, यात्रियों के लिए और पर्यटकों के लिए और कौन सी नई सुविधाएँ देंगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।